फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय राज व्यवस्था के ऊपर। आखिर ये बताने वाले हैं आज हम इस वीडियो में कि कैसे अंग्रेज भारत आते हैं और भारत आने के बाद से भारत पर शासन करना शुरुआत करते हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, मैं इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, अंग्रेज शुरुआती दिनों में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं और उसके बाद से फिर क्या होता है, धीरे धीरे व्यापार करते करते फिर वो भारत के राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरुआत करते हैं। शुरुआती दिनों में अंग्रेज 1608 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी खोलते हैं सूरत में। उसके बाद से 1611 में एक मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी लगाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके अंग्रेज भारत में समय समय पर बहुत सारे व्यापारी कोठी लगा दिए। उसके बाद से फिर भारत में व्यापार करते करते फिर उनका दिलचस्पी भारत के राज व्यवस्था की तरफ चला गया। राज व्यवस्था की तरफ जाने के चलते फिर वो धीरे धीरे भारतीय राजाओं के साथ और यहाँ के जमींदारों के साथ संघर्ष करना शुरुआत कर दिए और ऐसे ही संघर्ष करते करते हर राजाओं को हरा दिए। भारत में आए बहुत सारे यूरोपीय कंपनियों को भी उसने हरा दिया और हराने के बाद अंग्रेज अकेला बच गया और वो भारत के ऊपर शासन करना शुरुआत कर दिया। जैसे ही वो देखने लगा कि भारत की शक्तियाँ कमजोर होने लगी तो वो भारत के ऊपर शासन करना शुरुआत कर दिया। और शुरुआत करने के चलते उससे सबसे पहले उसके 2 युद्ध लड़े गए, जिसके कारण है कि अंग्रेज भारत के ऊपर शासन बहुत अच्छे तरीके से स्थापित कर लिया। 1757 के पलासी का युद्ध, ये जीतने के बाद अंग्रेज थोड़ा उनका पैर भारत के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति जमने लगा। और तुरंत बाद से फिर 1764 में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद से अंग्रेज पूरी तरीके से भारत के ऊपर अपना राजनीतिक हस्तक्षेप भारत के ऊपर जमा लिए। यही वो बक्सर प्लासी का युद्ध है जिसके बाद अंग्रेज पूरी तरीके से शक्तियों में मजबूती प्रदान हो गया और इसके बाद से भारत के ऊपर शासन करना शुरुआत कर दिए। यही 2 युद्ध है जिसके बाद अंग्रेज शक्तियों में पूरी मजबूती हो गई और भारत के ऊपर शासन करना शुरुआत किए। इसके बाद से भारत के ऊपर शासन करने के दौरान वो प्रत्येक समय पर वो नियम लाते थे, अधिनियम बनाते थे और उसी अधिनियम के अनुसार भारतीय लोगों को चलना होता था। तो चलिए उस अधिनियम के बारे में हम फुल डिटेल में बताते हैं वो कौन से अधिनियम थे और उसमें क्या उसकी मुख्य विशेषता थी। शुरुआती दिन में जो सबसे पहला अंग्रेजों का अधिनियम आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए इसके हम बारे में पूरे फुल डिटेल में बताते हैं। अंग्रेजों द्वारा दिया गया सबसे पहला अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें यह कहा गया था कि भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक और व्यापारिक नियंत्रण अंग्रेजों के कंपनियों के हाथ में होगी, कंपनियां ही यहाँ के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों ही मामलों की देखरेख करेंगे। उसके बाद से फिर इसकी कुछ मुख्य विशेषता इस प्रकार थी कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनका पद का नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और जो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि आगे चल करके बंगाल में फिर जो मद्रास और मुंबई, ये 2 प्रेसिडेंसी थे शुरुआती दिनों में 1773 से पहले। 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन 1773 के बाद से मद्रास और मुंबई ये 2 प्रेसिडेंसी के गवर्नर को हटा करके सिर्फ बंगाल में गवर्नर जनरल पद ला दिया गया और वही गवर्नर जनरल ही पूरे 3 प्रेसिडेंसी में शासन करना शुरुआत कर दिए। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि से आगे चल के 1774 में बंगाल में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और उस उच्च न्यायालय में 4 सदस्य को नियुक्त किया गया जज के रूप में, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद से फिर यह बताया गया, कंपनियों के यह अधिकार दे दिया गया कि आप निजी व्यापार बंगाल में कर सकते हैं और उसके बाद यह कह दिया गया अंग्रेजों को भी कि आप कभी भी भारतीयों से रिश्वत या तोहफे के रूप में कुछ नहीं लेंगे। उसके बाद से फिर जो बताया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये काम दिया गया कि आप भारत में राजनीति, व्यापारिक और सैन्य मामलों की जितनी जानकारी है आप ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को इंग्लैंड में आप इसकी जानकारी देंगे। उसके बाद से फिर आता है 1781 के
एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। अगला अधिनियम क्या आया, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें साफ तरीके से दो बातें मुख्य है, वो जो कही गई कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी कमियां थी उस कमी को दूर करना करने के लिए ही 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। और दूसरी मुख्य बात यह थी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में जितने भी विधि या कानून बनेंगे अब वो सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा ही कानून बनाए जाएंगे। तो यही दो, आज हम इसी दो अधिनियम के बारे में बात करेंगे। अगली हम विधि के बारे में जितने भी एक्ट है बारी बारी से सबको लेकर के आएंगे हर एपिसोड में। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।